जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 66 केंद्रों पर 21,204 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 15,872 और सेकेंड डोज लेने वालों में 5,332 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना से संभावित तीसरे लहर से बचने के लिए कोविड का वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अब तक जिले में 21,03,994 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 66 जगहों पर टीकाकरण चल रहा था और आज चूँकि RI सेशन भी चल रहा है, बुधवार और शनिवार दो दिन हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन भी चलता है, तो बूथों की संख्या थोड़ा कम रही, लेकिन 66 जगह पर चल रहा है। वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हुआ है, 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन होना है। आज जनता से अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। आजकल वायरल फीवर चल रहा है, जो कॉमन फ्लू कोल्ड वायरस होता है, वो अगर हम मास्क पहन करके बाहर निकलते हैं तो उससे भी बचाव होगा और कोरोना इन्फेक्शन से भी बचाव होगा। तो मास्क पहन करके हम बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। और जनता से अपील है कि घर के आसपास, क्योंकि JEE का समय है, आजकल टाइफाइड और डेंगू के केसेस भी का प्रकोप चल रहा है, तो डेंगू से बचने के लिए आस पड़ोस में पानी इकट्ठा ना होने दें। कहीं भी कूलर में अगर पानी है तो उसको साफ़ कर लें, ऊपर छत को देख लें, जहाँ कहीं भी छोटा थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा होता है तो उस पर डेंगू के मच्छर पनपन जाते हैं, जिससे डेंगू फैलने ना पाए और उससे आप बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ गर्म पानी जो है गर्म करके पिए और उसमें क्लोरीन की गोली डालकर पिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसे कोई चीज़ें ना आए। तो हमें अपना बचाव करना है और मौसम ठीक हो जाता है तो बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी।